कहाँ भागने की तैयारी में है ये? देखते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मनाली। ओए, क्या अब ये सही में मनाली जाने वाला है? 3, 2 हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ मनाली। कहाँ गायब हो गया ये? अरे आकाश में उड़ गया कि धरती में घुस गया? बहुत डर लग रहा है, पर करके रहूंगा। भाई कैसे रह रहे हो इतनी ठंड में? बर्फ पूरी है, हलवा है हलवा, और हमारा नाम है कलवा। हाय लियो, चंपू इधर, मैं जा रहा हूँ स्कीइंग करने, आ जाओ। क्रिश आ रहा है दुनिया को बचाने। अरे मेरी पैंट फट जाएगी भाई। यहाँ से उठवा के ना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बोलेगा तू? तू जानवर का नाक तो पीछे कर, अभी बोल तू। दिखा रहा हूँ मैं, आ गया हूँ घर, थोड़ा सा नर्वस हूँ। आ गए महाराज, मुन्ना आ जा, पिटेगा तू अब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने लिविंग होम वाली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया तो मैंने सोचा क्यों ना लिविंग होम पार्ट 2 बना दिया जाए। आज मैं फिर से जा रहा हूँ अपने घर को छोड़ के। कहाँ जा रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। पर उससे पहले परमिशन तो लेनी बनती है ना, पिछली बार भी ली थी, इस बार भी लेनी पड़ेगी। अब भाई चलो चलते हैं। कहाँ हो, कहाँ गई? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। फिर से घर छोड़ के जा रहा है? हाँ। कहाँ जा रहा है? ये नहीं पता मेरे को, पर जा रहा हूँ मैं। पिछली बार तू मुंबई चला गया, अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमसे कुछ दिक्कत है? दिक्कत क्यों होती? जा जा जा। जाऊँ? हाँ भाई, कहाँ जाने का इरादा है? मुझसे परमिशन कौन लेगा? अच्छा जी, अब तुमसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, घर का बॉस हूँ मैं, और तेरी जैसी औलाद का भरोसा भी तो नहीं, कब क्या कांड कर दे। मम्मी इसको भेजना नहीं जब तक बताए नहीं कहाँ जा रहा है ये। जल्दी बता बे। अबे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, फिर मैं चलता हूँ तेरे साथ। ना 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 ना, चलना साथ में, लड़कियाँ पटाएंगे। अच्छा जी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। अबे तुझे और कुछ आता नहीं आता है? शर्मा मत, चुपके चुपके करेंगे। और भौंकला क्यों रहा है बे? अब चलते हैं पापा से परमिशन लेने। इसे परमिशन लेने नहीं दूंगा वरना अकेले भाग जाएगा। पापा पापा वेयर आर यू। हिंदी में गाली खाने वाला अंग्रेजी में गाना गाता है। अबे रुको। अरे कहाँ हो, क्या कर रहे हो? अरे नोट गिनते रहो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। अबे तू बार घर छोड़ के जाता रहेगा क्या? हाँ जा रहा हूँ ना। कहाँ जा रहा? ये नहीं पता मेरे को कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं। कहीं तो जा रहा होगा ना। अरे पापा बता ही नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है पक्का, जाने मत देना इसे। चुप जा। पता नहीं कहाँ जा रहा है। मतलब मम्मी को भी नहीं बताया? अरे पापा आजकल के बच्चे ऐसी हो गए, ये माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। पीछे पड़ जाओ। अरे तो बता के तो जाता हम से कम, कहाँ जा रहा है? जहाँ भी जाओगे तो बताओगे तो सही। और क्या भाई, बताओगे तो सही। खुद को नहीं पता ना कहाँ जा रहा हूँ मैं, घर छोड़ के जा रहा हूँ। हमसे बहुत परेशान हो गया बेचारा। अरे आजकल के बच्चों को कुछ पता थोड़ी है, क्या पता हमेशा के लिए भागने की प्लानिंग में हुई है। पागल है क्या? हाँ मम्मी, क्राइम पेट्रोल में देखा है मैंने, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जाना है, दिमाग मत खराब कर। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे ऐसे कैसे जाने देगी, पागल है क्या? अरे और क्या, ऐसे कैसे जाने दोगी? या तो मुझे साथ में भेजो, इसके ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना इसका, ऐसे थोड़ी कहीं भी भेज दोगे। उसने कह दिया, भेज दिया। कहाँ जा रहे हो, कुछ तो बताओ। बताओ भाई। पता ही नहीं है मुझे। अभी इन्हें पता नहीं है और तुमने कह दिया कि जाओ। कितनी गलत बात है बताओ। तो मत कहा कर इसे, ये कुछ भी कर लेगा कहीं भी पहुंच जाएगा, है ना, हम यहाँ परेशान होते रहेंगे। क्या हो गया, जाने दो ना, घूमने तो जा रहा है। ऐसे कैसे जाने दो, अरे पास में जाना, कहीं दूर मत जाना। कितनी दूर जाना जहाँ से मैं देख सकूँ? हाँ चौराहे पे चला जाता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ तो सही है। अरे ऐसे आदमी को चौराहे तक भी नहीं भेजना चाहिए, कुछ नहीं पता इसका। अबे ओए बैग लगा रहा है, ओए रुक जाओ, मेरे कपड़े कौन डालेगा? तो रख ले भाई। अरे रख लिए सही से। ऐसे कौन रखता है, हो गया भाई, लगा लो। तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा आज। अगर तुझे आज जाना है तो तुझे मेरे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। देखा डर गया, अब जाएगा नहीं है। जाने दे, लेट्स गो। लियो की बेइज्जती करके गया ये, देखना पड़ेगा आखिरकार जा कर रहा है ये। चुपके चुपके देखता हूँ कहाँ भागने की तैयारी में है ये। तो गाइस इस बार का कंसेप्ट है थोड़ा डिफरेंट। इस बार मैं कहाँ जाने वाला हूँ मेरे को पता तो बिल्कुल नहीं है, पर इस बार मैं डिसाइड कैसे करने वाला हूँ ये मुझे पता है। देखो यहाँ पे रखी हुई है सारी चिट्स, गोवा केरला मनाली या जयपुर। गोवा केरला मनाली जयपुर, यानी इनमें से एक जगह जाने वाला है। इन चारों जगह में से मुझे कहीं एक जगह जाना है। अब वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी मेरी किस्मत। किस्मत कौन सी लड़की है? अब इन सारी चिट्स को डाल रहा हूँ इसके अंदर,
ओए, अब क्या करेगा ये? भाई सारी चीट्स रेडी हैं, अब देखते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ भेजना चाहते हो मुझे कमेंट करके पहले जरूर बता दो। अबे मैं तो तुझे चौराहे तक ना भेजूं, कहाँ की पर्ची निकलेगी अब इसकी? अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ उन्हें पहले। अब उठाता हूँ इनमें से कोई एक। कहाँ जाने वाला है? एक चीट मैंने उठा ली है, इसमें क्या है देखते हैं। अच्छा निकली हो मनाली। क्या अब ये सही में मनाली जाने वाला है? गाइस हमारी चिट निकली है मनाली की, तो अब मैं जाने वाला हूँ मनाली। चलो निकलते हैं मनाली के लिए, पर इस बार थोड़े डिफरेंट स्टाइल में जाएंगे। अभी कौन सी स्टाइल में जाने वाला है? 3, 2, 1। अरे रुक जाओ, बैग तो उठा लो, चले लेट्स गो। मनाली भाग गया। इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है यार, देखो चारों तरफ। इतनी सारी बर्फ ना, मेरे पैर पूरे फंस चुके हैं इसके अंदर। ये निकल गया। ओए हमें ऊपर जाना है पूरे टॉप पे यहाँ से। चलो आ जाओ, इससे चलते ऊपर। पीछे देखो गाइस, व्यू कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से। और मैं ऊपर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग भैया के साथ। पहली बार ये एक्सपीरियंस होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ फिलहाल, डर लग रहा है भैया। मरने मरने वाला तो नहीं होता, चैनल बहुत बड़ा है देखो, यहाँ तो सब डूब जाएगा। आपको देख के सब आ जाएंगे हमारे पास। लियो भाई जा रहा हूँ मैं, ठीक है? इस भाई को याद रखियो अगर बचा नहीं तो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ऊपर, अब हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग करने। बहुत डर लग रहा है कसम से यार, और नीचे से भी बहुत ज्यादा बर्फ ऊपर है। ये देखो मेरी हाइट से भी ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं यहाँ पे। जस्ट लुक एट दिस, स्वर्ग है यार, पूरा स्वर्ग है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, बहुत डर लग रहा है पर करके रहूंगा। गिरगार मेरी बारी आ चुकी है। लियो, this is for you. अरे कहाँ लेके जा रहे हो कैमरा, क्या दिखा रहे हो मेरे पीछे? तू ही मत दिखाओ यार। भाई मनाली आओ तो ये बिल्कुल ट्राई करना, इसे नहीं भूलना। देखो यार कहाँ हूँ मैं। गए। मैं वहां से ऊपर से आ रहा हूँ, देखो मम्मी पापा मजा आ गया। अब मैं ऑलमोस्ट आ गया, पीछे आगे 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 ऊपर ऐसे 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 पहुंच गए। ओह शिट, मजा आ गया यार, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था। हेलो क्या हाल है यार, इतनी ठंड में कैसे रहते हैं यहाँ पे ये? अब मैं ये एटीवी चलाने वाला हूँ। अबे यहाँ पे ड्राइव करना इजी नहीं है, ब्लैक आइस जमी हुई है पूरी सड़क पे। ओफो लेट्स गो। ये देखो फिर से मिल गया हमें। अरे भाई कैसे रह रहे हो इतनी ठंड में? अरे भैया पहाड़ी कुत्ते हैं, हमारा ऐसे ही रहता है। बर्फ थोड़ी है, हलवा है हलवा, और हमारा नाम है कलवा। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल। वो देखो वो रहा, कितना सुंदर लग रहा है यार ये मंदिर। आ जाओ चलते हैं, आ जाओ।
चारों तरफ में यहाँ पे स्नो ही स्नो है यार, पूरा स्नो से कवर्ड है। ओए ओ क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है भाई, क्या चाहिए, ये चाहिए, इधर आ जा, आ जा, आ जा, ले खा ले खा ले, डरते नहीं है, कुछ खाने को चाहिए था, कुछ भूख लग रही है बेचारे को, बेचारा कितना भूखा है। ओए मेरा क्यूट सा बच्चा, तू खा ले आराम से, ठीक है पेट भर के। भाई साहब चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, क्या लग रहे हैं यार। गाइस ये रहा हिडिंबा देवी टेंपल, लो दर्शन कर लो सारे, ये देखो माता का शेर भी है यहाँ पे। ये देखो कितना प्यारा से रैबिट मिल गया हमें यहाँ पे। हेलो, क्या नाम है इसका? चंपू। चंपू नाम है इसका, ऐसे चंपू। चंपू देखो कितना प्यारा सा चंपू। लियो का हाय कर दो चंपू। हाय लियो, चंपू इज हियर। अब मैं जा रहा हूँ स्कीइंग करने, आ जाओ। पांक पांक पांक, पेंगुइन लग रहा हूँ मैं, पेंगुइन। पांक पांक, चलो ए, अबे सीधे सीधे, गिर जाएगा, बच गया। अब मेरी हिम्मत बूस्ट हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ वहां पे उधर, वहां से स्कीइंग करके आऊंगा भाई। टुई पे जोर लगा के ऊपर तक ले चल यार बस। हाँ बढ़िया बढ़िया, क्रिश आ रहा है दुनिया को बचाने। ओ शेट, अबे क्रिश की फट रही है वो, अबे फैल जाऊंगा, रुक जा। अरे मेरी पैंट फट जाएगी भाई, उठा ले भाई। पहले बताओ कैसी करी मैंने? बहुत अच्छी की आपने। बढ़िया करी? बहुत अच्छी बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुंदर व्यू है, चारों तरफ स्नो कवर्ड है यार, जन्नत से कम नहीं है ये। वहाँ बहुत सारे मजे करने के बाद मैं निकल गया मनाली की मॉल रोड की तरफ। वहाँ जाके मैंने देखा कि यहाँ पे याक्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, किसी की नाक कटी हुई है, किसी के खून निकल रहा है। तो इस पर ये याक चलाने वाला बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं नाक तोड़ू या जान से मारू। इस क्लिप में आप देखो, नाक तोड़ू क्या कर रहे हो, बोल रहे मेरी मर्जी, मेरा याक है, मेरा याक है, मैं नाक तोड़ू तो क्या बोल रहा है? तेरे को मैं ना यहाँ से उठवा के ना तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या बोलेगा तू? तू जानवर का नाक तो पीछे खड़ा, पीछे खड़ा, पीछे खड़ा, पीछे खड़ा, पीछे खड़ा के बात कर। क्यों क्यों सीधे अभी पहुंचवाऊंगा तेरे को मैं, अभी फोन कर, ठीक है कर, अभी अभी बोल, दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, टेंशन मत ले, फोटो ले। कंप्लेंट मैंने करी थी पुलिस वालों से, उन्होंने उसको वार्निंग दी है, बट ऐसा कुछ भी केस ये लोग करते नहीं है, क्योंकि जानवरों के लिए आप लोगों को पता है कोई लॉ वगैरह है नहीं, हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने टाइट हैं, आप सबको पता है एनिमल्स के लिए। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी याक वगैरह पे मत बैठो जबरदस्ती, इनके ऊपर आके फोटोज मत खिंचवाओ, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब करके ये लोग करते हैं, नीचे से बेचारे खून निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो प्लीज यार स्टॉप डूइंग दिस। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, मैं कंप्लेंट भी लगा हुआ था याक्स के रिगार्डिंग, अभी सारे याक्स को यहाँ से भेज दिया गया है। तो गाइस ये मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें जरूर ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम खाने वाले हैं मनाली की फेमस डिश जिसका नाम है सिद्धू, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका टेस्ट कैसा है, बट जो भी अच्छा है। उसके बाद खाया हमने गुलाब जामुन के बच्चे और पनीर के पापा, फिर टहलने लग गया मॉल रोड पे जैसे यहाँ रहते हो मेरे चाचा। खाना पीना हो गया है मेरा, इतनी ज्यादा ठंड है ना यहाँ पे, -10 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल, इस समय रात की बज रही है 9, तो मेरा दिन इनके बिना तो एंड होता नहीं है। मुझे फिर से मिल गया एक नया दोस्त और ऐसे खत्म हुआ ये खूबसूरत दिन। व्यू दिखाऊं, सुबह उठ के देखा तो फिर से उन लगी थी स्नोफॉल, इतना प्यारा व्यू था मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये टाइम था इस जगह को छोड़ के जाने का, क्योंकि अब होने वाले थे 24 घंटे, मन तो जाने का नहीं है, पर चलो चलते हैं अब घर वापस। बाय बाय मनाली। तो गाइस मैं आखिरकार आ गया हूँ घर, थोड़ा सा नर्वस हूँ, चलो चलते हैं, ज्यादा कुछ होगा नहीं, मुझे पता है। चलो आ गए महाराज, आ जा मुन्ना, आ जा, पिटेगा तू अब। गया था, कहाँ गया था, कितनी चिंता हो रही थी, फोन भी नहीं मिल रहा था ना। फोन क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है फोन, देखो कब से फोन मिला रहे हैं, सब जगह पता कर लिया। कहाँ गया था? मनाली, मुझे तो पता ही नहीं था। मनाली में पता है कितनी बर्फ पड़ रही है? मनाली में पता है कितनी बर्फ पड़ रही है? अरे तू इतनी गुस्सा करने वाली बात क्या है इसमें? गुस्से की बात नहीं है क्या? नहीं कभी चल जाता उठ के, फोन मिलती ना, मिल नहीं रहा है ना, फोन मिल रहा है ना, कुछ भी है तो गुस्सा नहीं करें क्या? करो करो, बिल्कुल करो, मैं तो कहता हूँ एक रैपिड भी लगा दो। नेटवर्क नहीं था तो मेरी गलती है क्या यार? नहीं तो तुम कर सकते हो ना। ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा, जा रहा हूँ। अरे वहाँ पे क्या कर रहा है ये तो बता दे। अब क्या करता, घूमा फिरा और क्या करता, मतलब खाली घूमे फिरे और कुछ ना करा तुमने वहाँ पे? पैराग्लाइडिंग भी करी थी। क्या पैराग्लाइडिंग भी करी थी?
देख रहे हो मम्मी पापा ऐसे? पैराग्लाइडिंग भी करी थी, मुझे तो पता था। देखो ये उल्टी खोपड़ी का, मैंने पहले कहा था कुछ ना कुछ करेगा जरूर। मैं तो कहता हूँ आज इसकी खोपड़ी सीधी कर दो। तो पैराग्लाइडिंग ही तो करी है, एडवेंचर स्पोर्ट है। ठीक है तुमने पैराग्लाइडिंग करी है, लेकिन हमें पता तो हो तुम क्या कर रहे हो। फोन तुम्हारा मिल नहीं रहा है, कुछ हो जाए तो होगा तो इसे कुछ ना। ये तो उनमें से जो इसके साथ रहे उसे कुछ हो जाए। बातें छोड़िए, बता मनाली में मजा आया नहीं आया? मजा तो आया, बढ़िया जगह थी ना। कैसी है मनाली? एकदम जन्नत है। इस समय तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है ना, मतलब क्या। अबे गुटका थूक के बात कर, मजे आ जाएगा। स्नोफॉल हुई? अरे बहुत स्नोफॉल हुई, पूरे टाइम स्नोफॉल ही होती रही है। तो मैं भी जाऊंगा अपनी शादी के बाद। अरे पैराग्लाइडिंग में कैसा लगा? पैराग्लाइडिंग बहुत जबरदस्त थी, आप करोगे तो मजे आ जाएगा। डर स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन जब एक बार कर ली ना तो भाई साहब मैं तो नहीं कर सकती भैया, मुझे तो पर अगर करोगे तो मजा तो आ जाएगा। मेरी तो हवा में टट्टी निकल जाएगी यार। चले बाबू, मैं पैराग्लाइडिंग नहीं करूंगी, लेकिन दोनों चलेंगे ना एक साथ, या तो नीचे या ऊपर। तो गाइस यार इस बार तो लग गई वाट, मेरा फोन पता नहीं पहाड़ों में सिग्नल आता नहीं है, इसलिए स्विच ऑफ दिखा रहा था मैं बाबा को। पर कोई बात नहीं, माँ बाप है, चिंता तो होती है, डांट पड़ती रहती है। बट हाँ, मैंने कर लिया भाई साहब अपना चैलेंज कम्प्लीट। फिर से मैं भाग गया घर छोड़ के और आ चुका हूँ मनाली घूम के। पहले ये बता मुझे क्यों नहीं लेके गया तू? अब इतनी टूई अकड़ जाती है, इतनी ठंड थी वहाँ पे। ओए इतनी ठंड थी क्या? फिर तो सही किया, मेरी टूई अकड़ जाती यार। फिर मैं क्या करता, लड़कियाँ पटाता ना। और कुछ आता तेरे दिमाग में? साथ में लड़कियाँ पटाते मनाली में यार। अब ऐसे तो फिर तू नल्ला ही रहेगा। तो भाई इसकी तो बकवास चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस पे 3 मिलियन व्यूज करवा दो। तो गाइज मैं अभी से इसे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, अगर आपने इस पे करवा दिए 3 मिलियन व्यूज तो मैं लाने वाला हूँ उसका पार्ट 3, जिसमें मैं घर नहीं देश छोड़ के जाने वाला हूँ। और इस बार हम जाएंगे कहीं आउट ऑफ इंडिया। भाई साहब ये बहुत खतरनाक होने वाला है, तो प्लीज जल्दी से 3 मिलियन करवा दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मतलब अगली बार फॉरेनर लड़कियों से मिलेगा।